सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं। दोनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी ज्यादा पसंद आती है। हालांकि बीते कुछ साल से यह खबर चल रही है कि कपल्स के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। कई बार दोनों को गुस्से में देखा गया है। डाइवोर्स की इन अफवाहों के बीच कपल्स का एक तस्वीर जमकर वायरल हो रहा है। यह तस्वीर सरबजीत के प्रीमियर से जुड़ी, जब फोटोग्राफर्स ने अभिषेक को बुलाया और उन्हें अपनी पत्नी के साथ खड़े होने के लिए कहा ताकि दोनों की फोटो क्लिक की जाए। अभिषेक ने कुछ फोटो क्लिक करवाए और वहां से रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या को अकेला छोड़कर चले गए। उनके इस बर्ताव के बाद लोगों को ऐसा लग रहा है कि कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं। उनके इस वीडियो फोटो पर फैंस अजीब अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। यही कारण है कि अब कपल के फैंस को ऐसा लग रहा है कि कपल के बीच सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इससे पहले सुभाष घई की बर्थडे बैस के बीच भी ऐश्वर्या अभिषेक से नाराज नजर आ रही। वहीं एक बार अभिषेक एस को पैपराजी के लिए पोज देते वक्त गुस्से में उन्हें अकेला छोड़कर चले गए थे। हाल ही में कपल के वायरल वीडियो में देखा गया है कि टीम जयपुर पिंक पैंथर्स के मैच का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अभिषेक ऐश्वर्या राय से कुछ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभिनेत्री अपने पति की ओर क्रोध में आंखें दिखाती हुई नजर आ रही हैं। खबरी चौखट की रिपोर्ट।